हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देवंती ऑफिशियल एंड न्यू ब्लॉग। और अभी हम अपना मायके जा रहे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो सस्पेंस है ना दिया है? तो हम लोग के ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी हम आए हैं पटना गैरेज में, एक गैरेज आए हैं क्योंकि मेरा स्कूटी का कुछ टूट गया है, तो वही हमको ऑल्डिंग कराना था। इसीलिए दिखाते हैं अभी पूरा डिक्की को खोल के, यहाँ पर खोला गया है, अभी बनेगा यहाँ पर, उसके बाद चलेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। अभी वहाँ पर हो रहा है ऑल्डिंग, शायद हमको नहीं पता ऑल्डिंग ही इसको बोलते हैं। इधर यहाँ पर अभी लगेगा। और टिया मायके आए हुए हैं और टिया खुद से गेट खोल रही है। अरे खोलो ना तुम हाथ घुस आके। रिसान बाबू आया है गेट खोलने के लिए। चलिए देखिए, हम डायरेक्ट आ गए हैं बारी में, क्योंकि मेरी मम्मी थी बारी में और उधर मेरे पापा, ये सब में बाउंड्री कर रहे हैं। क्योंकि इधर देखिए क्या चीज लगाए पता नहीं, शायद लाहर लगाए इधर, और इसीलिए बाउंड्री दे रहे। अरे चप्पल पहन के तुम लोग नहीं आया। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी बारी में पता ही नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन आ जाएगा बड़ा बड़ा, फिर देखेंगे। ओ मम्मी पेड़वा मुचक गया। उधर पापा करते हैं, मम्मी मेरी चली, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है। अभी मम्मी को लेके हम जा रहे हैं मार्केट, और सस्पेंस क्या रखेंगे बता देते हैं। जा रहे हैं संगीता दीदी के घर, तो उनका तबीयत खराब था इसलिए उनको देखने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए। और मम्मी भी जा रही है, तो मम्मी आ रही है, तब तक हम लोग बाहर निकले। इधर मेरे पापा बैठे हुए हैं, और अभी रिसाई भी जाने के लिए परेशान हो रही है, तो तब से परेशान ही है जाने के लिए, तो चलेंगे। अरे ठीक है, परेशान मत करो। तो अभी हम लोग फ्रूट्स का दुकान में रुके हुए हैं, मम्मी उधर फ्रूट्स चुन रही है। इधर रिसान को दिया है, बोलो इधर, हेलो बोलो, हेलो हेलो। मम्मी इधर चुन चुन के अच्छा अच्छा वाला ले रही है। तो इटा किन नहीं है, दो साल नहीं है, ठीक ना। ना छोड़ो ना, हम जाते हम लोग संगीता दीदी का घर आए हुए हैं। इधर टिया है, मम्मी अभी नाश्ता इधर कर रही है, चाचा जी दी हैं, और दीदी इधर लेटी हुई है जस्ट अभी। कब हॉस्पिटल से आए? तीन दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई है। अभी इनको बेड रेस्ट ज़्यादा करना है, और अभी तो आराम ही कीजिए, अभी दीदी यहाँ लेटी हुई है। हम लोग जस्ट अभी आए, हम लोग थोड़ा आधा घंटा बैठे हैं, बातचीत किए, उसके बाद नाश्ता इधर कर रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। सब कोई दीदी के लिए भगवान से दुआ कीजिए कि दीदी जल्दी ठीक हो जाए, पहले जैसा अपना ब्लॉग कंटिन्यू करें, और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग भी लाएँ। और दीदी का चैनल भी है संगीता ऑफिशियल, हमको लगता है लगभग लोग जानते ही होंगे संगीता मातो ऑफिशियल। तो जो मेरे चैनल से देख रहे हैं इनको सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो जितना लोग, अब हम लोग ब्लॉग को समाप्त नहीं करते हैं, अभी थोड़ा ये दीदी के बाद अभी और एक दीदी है, उनसे भी मिलने के लिए जाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए। तो अभी हम लोग दीदी के आंगन में आए, और दीदी देखिए, दीदी से बैठा नहीं जा रहा, रेस्ट नहीं हो रहा, उठ के आ गई हम लोग के साथ आंगन में। हाँ, और मम्मी और टिया, दीदी के यहाँ पपीता का पेड़ है जिसमें बड़ा बड़ा पपीता फलता है, तो दीदी बोली पेड़ ले जाने के लिए, तो मम्मी वही सोच रही तो कुबाड़ गए कुबाड़ जल्दी पानी यहाँ वाला जीवा 5 बज गया। तो टिया का ट्यूशन है 6 बजे से। वो प्लास्टिक ला दीजिए, वो प्लास्टिक। तो अभी मम्मी इधर पपीता का पेड़ उबार रही है। कभी रीता को मुसीबत में बोले तुम छोटा छोटा था ना,